माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक रेसिपी शेयर करूंगी जो शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम उसे ऐसा सब्जी बनाते हैं और वो सब्जी नहीं है, वो सब्जी का छिलका है। तो देखिए, वो ये है स्पॉन्ज कार्ड जिसकी मैं बात करी थी। मैं आज आपको इसके छिलके की सब्जी दिखाऊंगी जो बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। तो अब हमने उसके छिलके को उतार के इसको प्रेशर कुक में कुक कर लिया है। इसको आप 2 या 3 सीटी आने तक बॉईल कीजिएगा। मैंने इसमें आलू भी डाला है, आप चाहें तो आलू नहीं भी डाल सकते हैं। और ये आलू डाल के इसको उबालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिए आप। और इसके बहुत छोटे टुकड़े भी नहीं करने हैं, बहुत बड़े भी। आप ये मत सोचिएगा कि इसको बॉईल करने के बाद ये एकदम आलू की तरह मैश हो जाएगा या हलवा बन जाएगा। ये बॉईल करने के बाद भी इसमें थोड़ा हार्डनेस रहेगी और हमें इसी तरह बॉईल करना है ऐसे कि ये थोड़ा इसमें हार्डनेस रहे, कि जब हम इसकी सब्ज़ी बनाएं तो ये एकदम मुशी मुशी सा ना हो जाए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। ये सब्ज़ी मेरी मदर इन लॉ ने इन्वेंट की थी हमारे घर में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने कभी भी इसके छिलके की सब्ज़ी ना खाई है ना सुनी है। तो ये सब्ज़ी आज वो बनाने वाली हैं घर में, इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था तब मैंने रिकॉर्डिंग की है। उन्होंने थोड़े से ऑयल में सारे सूखे मसाले डाले थे, धनिया, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला और जीरे का तड़का देके जो उबले हुए सब्ज़ी मैंने आपको दिखाई थी वो उसमें इन्होंने डाल दी है। अब उसमें डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी सा रहता है जिसकी वजह से इसमें छन छन आवाज़ आती रहती है। तो जब तक वो आवाज़ आती रहेगी आपको तब तक इसको चला के भूनते रहना है। उसके बाद ही आप देखेंगे इसकी आवाज़ बंद हो जाएगी और ये अच्छे से थोड़ा फ्राइड टाइप का हो जाएगा। तो आपको इसको बीच बीच में चलाते रहना है, इसे ढकना नहीं है। ये देखिए कुछ टाइम बाद ये इस तरह से दिखने लगेगा। इसको काफ़ी भूनना पड़ता है और तो इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग वाला है बॉईल करने के बाद भी, तो ये जल्दी से बन के रेडी नहीं होता है। कम से कम इसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं इसे भूनने में। ये देखिए ऐसे रेडी है, आप इसे चाहिए तो और भून सकते हैं, हम इसी तरह खाते हैं इसे। अब ये वापस मैं अपने बाकी कामों में लग गई हूँ। मैं अपने अभी आरव की मालिश की है, अब मैं उसको नहला के आई हूँ, उसे कपड़े पहना रही हूँ। और मेरी बेटी है ऐसी है कि वो उसे भी लगता है कि वो आरव की माँ ही है, जो काम मैं करती हूँ आरव के लिए वो भी वही करना चाहती है। अब उसने भी स्टार्ट कर दिया है उसे लोशन लगाना। वो इनफैक्ट जब मैं उसे नहलाती हूँ वॉशरूम में तो वो वहाँ पे भी आके नहलाना स्टार्ट कर देती है कि मम्मा मैं करूँगी, मुझे सौंप दो, मैं नहलाऊँगी बेबी को। तो मुझसे ज़्यादा वो इंटरेस्टेड रहती है कि वो बेबी को नहला दे। काश ऐसा होता कि वो ही नहला पाती और मुझे इतना मशक्कत नहीं करनी पड़ती, मैं बाकी के काम देख लेती और वो आरव को नहला देती, बट ऐसा हो नहीं सकता, नहलाना तो मुझे ही पड़ेगा। तो आइए अब घर से बाहर चलते हैं। हाँ, घबराइए मत, मैं कुछ घूमने नहीं जा रही हूँ, मैं इवनिंग वॉक पे जा रही हूँ, क्योंकि इस कोरोना टाइम में घर में बैठे बैठे इंसान बोर हो जाता है। मैं तो बहुत ज़्यादा ही होती हूँ, तो मैं थोड़ा सा वॉक पे निकल जाती हूँ। मैं एवरीडे इवनिंग में जाती हूँ वॉक पे और माइंड थोड़ा फ्रेश सा रहता है। और अभी मौसम मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी, तो मैं पहले चेक कर लेती हूँ। हाँ, इतना चलेगा, भीगूंगी नहीं मैं। अब मैं जाऊंगी वॉक करने के लिए और मौसम अच्छा रहता है इसलिए मन अच्छा रहता है वॉक करने में। और अभी तो रोड्स आपको खाली दिखेंगी यहाँ पे, लेकिन ये है कि अंदर की रोड में काफ़ी लोग इस टाइम पे टहलने आते हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं उनसे सट के नहीं चलती हूँ, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए पूरी रोड खाली पड़ी हुई है, जबकि दाएँ बाएँ दोनों बहुत ही अच्छी शॉप्स हैं। ये देखिए हमारे एक हाइपर मार्केट है, ये सुपर मार्केट, और ये अपोलो शॉप है, क्योंकि फार्मेसी की है इसलिए ये खुली है, लेकिन बाकी सब बंद है, यहाँ पे कुछ भी खुला नहीं है। ये देखिए और चलिए आप भी वेदर एंजॉय कीजिए और मेरे साथ वॉक कीजिए।
ये देखिए यहाँ पे हमारे एक इस तरह की एक इलेक्ट्रिक साइकिल काइंड ऑफ है, चलती है ये, यूलू साइकिल से बोलते हैं। इसका एक साइकिल वर्जन भी है और ये थोड़ा स्कूटर टाइप का है। इसको चलाने का मेरा इतना मन होता है, मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ, वॉक करती हूँ, मुझे लगता है मुझे ये चलाना है। देखती हूँ कब वो मौका आएगा चलाने का, कब मौका आता है इसको चलाने का, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ से गुजरते हुए हमेशा मेरा मन करता है कि मैं भी चलाऊँ, क्योंकि शाम के टाइम में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे घूमते रहते हैं जो यही चलाते हैं। 1, 2, 3, come on! धीरे धीरे सी झीनी झीनी सी बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग जिसे बोलते हैं, फील्स ऑसम। हेलो, तो मैं अब इवनिंग वॉक के बाद वापस आ गई हूँ, अब अपने बाकी काम करूँगी और काफ़ी टायरिंग हो गया है वॉक करते करते करते। एक्चुअली मेरे घर से फ़ोन आ गया था और मैं बात करते करते वॉक कर रही थी और इतना कर गई हूँ कि मुझे खुद को पता नहीं चला। अब मैं थोड़ा टीवी देख रही हूँ और आरव के साथ खेल रही हूँ, और आपको मेरा वीडियो देखने में अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।